ये कोई निकल गया इधर से, ये चार स्क्रू निकल गया। देखो ये दो स्प्रिंग निकलेगा, ये स्प्रिंग घूम जाएगा तो ऐसा स्प्रिंग भी निकलेगा, बराबर है। देखो इधर कचरा फंसता है, इधर इधर ये लिक्विड का लाइन है, ये सोडा का लाइन है। जिधर कचरा आएगा उधर से सोडा टपकना चालू हो जाएगा। हाँ समझ गए, इधर कचरा थोड़ा इतना भी कचरा फंस गया ना तो सोडा टपकना चालू हो जाएगा इसके अंदर से। हाँ। देखो इसको इसको इधर से निकालने का और साफ करने का, बस कचरा निकाल के वापस इधर रख देने का। ये इसका लीवर है, इसको इधर इधर रखने का। देखो ये निकल जाए, इसको ऐसे ही रखने का, ऐसे इधर ही दो के बीच में। हाँ दोनों को ऐसे रख देने का। देखो ये इधर से ऐसे ऐसे होगा ना, ऐसे सोड़ा निकलेगी। देखो ऐसे बराबर है सिस्टम कर दीजिए। हाँ देखो ये क्या आ गया, बराबर ये इसका स्क्रू है। देखो इधर इधर इसको इधर बिठा देने का, ऐसे बैठ गया। कभी भी साफ सफाई करने के लिए माल साफ सफाई, अंदर कचरा है तभी खोलने का। ये स्प्रिंग स्प्रिंग रहेगा क्या? वो स्प्रिंग बाद में फिट होगा, पहले इसको फिट करने का, उसके बाद स्प्रिंग टाइट होगा। वो क्या दिमाग लगा करके मैकेनिकल चीज टाइप की यही है, पहले था ही नहीं ये। फिर भी दो चार साल हुआ आया होगा उधर क्या? 15 साल से हम लोग ये मशीन का करते हैं, 15 साल हो गए। ये सांगली में अभी तक नहीं, ये अभी शुरुआत हो एक 4-6 महीने से। देखो इधर लिखा हुआ है मेड इन मेक्सिको। मेक्सिको हाँ, ये कॉर्नेलियस कंपनी है। वी आर आर ई। देखो अभी ये स्प्रिंग, देखो इधर छोटा ठेसी दिखता है, इधर छोटा ठेसी, छोटा ठेसी दिखता है नहीं, इधर लगा देंगे स्प्रिंग को ऐसे। देखो ये बड़े ठेसी, ये बड़ा ठेसी, ये छोटा ठेसी, इसके अंदर अटक जाएगा। देखो हाथ से बैठ गया स्प्रिंग। देखो अभी ये स्प्रिंग है ना, देखो ये काम करेगी। देखो ये इसको है ना, इधर आ गया तो ये वापस करेगी स्प्रिंग को। देखो ऐसा दूसरा स्प्रिंग, स्प्रिंग घूम गया तो पूरा वाल फेल। स्प्रिंग भी नहीं मिलता इसका, इंपोर्टेड चीज के अंदर सामान नहीं देते वो लोग। फिर आप बोलोगे कि ये चीज दो मेरे को, तो ये मिलेगा नहीं, ये कोई दूसरा स्प्रिंग, नया ही वॉल लेना पड़ेगा। हाँ ये देखो दूसरा स्प्रिंग बैठ गया, ले लिया ठीक बराबर है। अभी ये इसको बिठाने का, तो इसको बिठाने का बराबर है। ये साइड आएगा, इधर स्विच है तो ये साइड ऐसे लगाने का इसको। इसको पहले इसके अंदर डालने का, इसको ऐसे बिठाने का इधर, इसके अंदर डाल के इधर बिठाने का। देखो ये देखो ये आवाज़ आया प्रेस करने के बाद, ये बराबर अंदर बैठ गया। बराबर बैठेगा नहीं तो सोड़ा नहीं निकलेगा, निकलेगा तो ऐसे फंस जाएगा, ये फंस जाएगा तो सोड़ा चालू का चालू रहेगा। अभी ये स्विच, अब इसके बाद ये स्विच बिठाने का, ये स्विच इधर बराबर बिठाने का, फिर इसको लेने का। इसको देखो इधर दो लोग दिया हुआ है। निकालते हुए स्विच कैसे निकालना था वो? नहीं नहीं उसका जरूरत नहीं है, अभी ये फिट। देखो ये आ गया इधर, ये देखो ये दोनों बैठ गए इधर, ये लो उधर बिठाने का। हाँ उधर बिठाने का बैठ गया, प्रेस करने का, और ये आ गया बैठ गया। पूरा हाथ से वाल खोला है मैंने, वो छह स्क्रू है वही एक ही टेस्टर जी है बस। इसको भी बिठाने के लिए देखो ये इधर आएगा, ये नहीं भी बिठाओगे तो चलेगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है। ढक्कन बिठाने से सेफ्टी रहेगा। हाँ सेफ्टी का, उसमें कुछ सेफ्टी का भी जरूरत नहीं है। बैठ गए ये लॉक भी नहीं बैठेगा ना तो भी प्रॉब्लम होगा, ये लॉक बराबर बैठना चाहिए। खोलते वक्त कैसे खोलना चाहिए वो लॉक कैसे? ऐसे देखो ग्रिप इधर मार बैठे हो, देखिए हमने तो ग्रिप है। हाँ बिल्कुल ठीक,
कचरा फंस जाएगा तो इधर से साफ करने सीजी एक बार मोड़ो देखियो लेकिन मैं शूटिंग अभी ये ने देखो क्या है हमने बात करते हैं फोन पर करने बहुत किया लेकिन ये वाला देख ले अभी देखो ये भी खुलता है इधर से ये इधर से खुलता है देखो ये ना इधर से खुलता है ऐसे देखो ये क्या कचरा फंस गया नहीं कचरा नहीं इसके अंदर वो रिंग रहता है देखो ये इधर से निकलेगा ये ले ले लो बेटा ओ रिंग हाँ ले देखो ये ओ रिंग रहता है इसके अंदर ओ रिंग रहता है ये ओ रिंग कभी खराब हो जाता है ना तो इधर से लीक होता है सोडा ऐसे कभी होगा नहीं खराब ऐसा होता नहीं है कभी वो कभी क्या है कोई छेड़ता है तो हो जाता है ऐसे देखो ये इसके अंदर आता है देखो ये शूटिंग में दिख रहा है ना उधर भी देखो तुम पहले तो वो इधर ही देखोगे उधर से देखो तुम खाली उधर से इधर देखो देखो इसको इधर बराबर बिठाने का देखो ये बराबर बैठेगा ये फिर लोग इधर से निकलेगा देखो इधर खाली देखिए इधर निकलेगा लोग देखो इसका पीछे लोग है देखो ये बराबर इसको बराबर इधर से फिट करने का तभी वो बैठेगा तभी वो बैठेगा उसके अंदर लोग को मारो धक्का अभी बैठ गया इसके अंदर से लिक्विड इधर से सोडा अंदर घूम के निकलता है ये इसका सेटिंग है आपको सोडा फास्ट करना हो लिक्विड फास्ट करना हो वो मैं आपको जब प्रॉब्लम आएगा तभी बताऊंगा ये इसका सेटिंग है याद रखना खाली फास्ट सोडा करना होगा ढीला कर वो फोन पे में बताऊंगा वो आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा वो आप 20-25 बार करोगे ना तभी उसका सेटिंग मालूम पड़ेगा इसको टाइट करने का खोलने का वो कभी कोई कस्टमर को मालूम नहीं पड़ता है टेस्टी होना चाहिए नहीं वो तो बराबर होगा अभी क्या करते हैं कोई कोई हम लोग बोलते हैं भाई फ्लेवर के अंदर 5 लीटर पानी डालो भूल से 6 लीटर डाल दिया तो वो लोग बोलते हैं भाई हमारा माल फीका निकलता है तो इसको इधर से सेटिंग करना पड़ता है फ्लेवर नहीं वो जो सोडा का कैपेसिटी भी नहीं मतलब है अच्छा ना पीता हाँ दकार एक बार आई इसको और स्वीट का एक बार नाम ले जाए आपने स्वीट डालना भूल गया अभी वापस खोलना पड़ेगा दे 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 चलो चलो।